गाइस, मेरा नाम है आसिफ और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे गॉड ऑफ वॉर 3 पीसी में खेल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गॉड ऑफ वॉर 3 आप नहीं खेल सकते पीसी में, पर आप डेफिनेटली गॉड ऑफ वॉर 3 पीसी में खेल सकते हैं आरपीसी इमुलेटर यूज़ करते हुए। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे गॉड ऑफ वॉर 3 खेल सकते हैं। सो गाइस, गॉड ऑफ वॉर 3 इंस्टॉल करने से पहले और आरपीसी इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपका पीसी डुअल कोर है और या फिर मतलब GT 710 और ये सब है ग्राफिक्स कार्ड, तो उसमें ये नहीं काम करेगा, क्योंकि मेरा खुद RX 570 है और Ryzen 1600 है जो कि 8-core प्रोसेसर है, उसमें भी ये ठीक से काम नहीं करता है। और 16 GB रैम है मेरा, फिर भी 30 FPS मुश्किल से मिलता है। तो गाइज, अगर आपका डुअल कोर प्रोसेसर i3 प्रोसेसर है वैसा कुछ है तो आप मत करिए, क्योंकि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करिएगा। सो गाइज, अगर आपका i7 या i5 भी है तो और अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है तो ही ये वीडियो को देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले RPC इम्यूलेटर डाउनलोड करिए। RPC इम्यूलेटर डाउनलोड करने के लिए RPC इम्यूलेटर का RPCCH3.net ये साइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जाके आप ये विंडोज़ आ रहा है इसको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सिर्फ फाइल मिलेगा आपको, ये सिर्फ फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। देख सकते हैं, ऐसे राइट क्लिक करिए इसमें और जाके ये एक्सट्रैक्ट सिर्फ फाइल आप यहाँ पर कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गया है, ये फोल्डर, इसी का अंदर आपको ये मिल जाएगा RPC इमुलेटर। ठीक है, ये ओपन हो गया, देख सकते हैं आप। सो इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप डाउनलोड करिए ये PS PlayStation 3 फ्रेमवेयर गाइस, इसको आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी गेम नहीं चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे आइए, लिंक ऑलरेडी फिर से डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PS3 फ्रेमवेयर 4.81, सबसे ये डाउनलोड करिएगा एकदम नीचे वाला। इस डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा फाइल मिलेगा, ये कुछ MB का ये है। अब फिर इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए फिर से वो फोल्डर खोलिए RPC इमुलेटर, उसके डबल क्लिक करिए इसमें, और डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल्स आ रहा है। फाइल्स में जाइए और फ्रेमवेयर ये देखिए, सॉरी मतलब इंस्टॉल फ्रेमवेयर, इसको इसमें क्लिक करिए और वो फाइल सिलेक्ट करिए, यहाँ से ऑल फाइल कर दिए। उसके बाद ये रहा, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, देख सकते हैं आप। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए हम नहीं करने वाले इस वीडियो में। आप ये जो मतलब आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको करना ये मस्ट है। ओके, उसके बाद हम गॉड ऑफ वॉर डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, फॉलो करिए बस। सो फिर से गाइस, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद एकदम नीचे जाइए, ये आप देख सकते हैं CP ये लिख रहा है इसमें, और ये सब ये मत इंस्टॉल करिएगा 0510, ये बेकार है, ये काम नहीं करता है। ये डाउनलोड करिए 81111, ये सीरीज़ है गॉड ऑफ वॉर का, इसको डाउनलोड करेगा। देखिए वर्जन मतलब सॉरी वर्जन है, तो आपको ये डाउनलोड करना है। ओके, इसमें क्लिक करिए, कैप्चा भरिए CMFHV, वो गलत है शायद, एक मिनट, WBRH6N। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा ये सब फाइल, टोटल शायद 40 GB का है ये जी फाइल मिलेगा आपको। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद ये सब बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको ये करना ये है कि गॉड ऑफ वॉर फाइल ये रहा गाइस, मेरा गॉड ऑफ वॉर 3 फाइल, वो मतलब
उसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वो सारा फाइल, तो आपका ये फोल्डर बन जाएगा। तो मेरा वो जो विनरार फाइल है शायद डिलीट कर दी है हम, क्योंकि वो स्पेस खा रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फाइल मिलेगा आपको टोटल पूरा एक्सट्रैक्ट करने के बाद। देख सकते हैं आप इसके अंदर गॉड ऑफ वॉर 3, आई मीन गॉड ऑफ वॉर 3 है हाँ। उसके बाद ये सब क्लोज करिए और आरपी सिम्युलेटर खोलिए। अच्छा आरपी सिम्युलेटर खोलिए, इसको नो करिए, ये हमेशा परेशान करेगा आपको। अपडेट अपडेट इसको हटा दीजिए और उसके बाद इसमें जाइए कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आप मेरा सेटिंग देख सकते हैं ऐसा है कुछ, ये सब जीपीयू भी मेरा आरएक्स 570 है यहाँ पे आप दिखा रहा है, देख सकते हैं ऐसा कुछ सेटिंग है मेरा। ओके क्लोज कर दे इसको। और अगर आपको गेम पैड से खेलना है तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं गेम पैड का भी, और कीबोर्ड से खेलना है तो यहाँ कीबोर्ड भी आ जाएगा गाइस। तो हम तो गेम पैड से खेलते हैं गाइस, तो गेम पैड सेलेक्ट किए हम, तो इसको कैंसिल करिए। और उसके बाद गेम को बूट करना है। गेम को बूट करने के लिए यहाँ पे जाइए, देखिए बूट गेम आ रहा है, बूट गेम में क्लिक करिए और देखिए गॉड ऑफ वॉर 3 वो फोल्डर सेलेक्ट करना है आपको। याद से ज़िप फाइल सेलेक्ट नहीं करना है, फोल्डर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर सेलेक्ट करना है। ओके जो कि 40 GB का है आप देख सकते हैं, उसको सिलेक्ट करिए। देखिए ये चलने लगा, तो गाइज ये गॉड ऑफ वॉर 300% चलता है गाइज, अगर आपका पीसी सही है तो, मतलब अच्छा पावरफुल है तो। पहले मेरा गॉड मेरा ये डुअल कोर था तो उसमें एकदम बेकार चलता था, चलता ही नहीं था गाइज, खुलता ही नहीं था। फिर हम RX 570 और ये Ryzen प्रोसेसर अपग्रेड करने के बाद ही ये खुलता है, देख सकते हैं 100% चलता है, 100% की बात नहीं है, देख सकते हैं गाइस। Before the age of the twilight set upon the gods, a legend rose to claim his place among them. And even though Kratos sat on the throne as the new god of war, he was haunted by visions of his family, a family he himself murdered. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos will have his revenge. गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्मूथ चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है, आप आराम से खेल सकते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं एक मिनट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये गेम हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं बहुत बार, कंप्लीट कर दिए गाइस, अब मन नहीं करता खेलने का। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम है कैसे क्या करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे गाइस, और आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो गाइस शेयर करें जो जो आपका दोस्त अगर गॉड ऑफ वॉर 3 खेलना चाहता है पीसी में। सो गाइस बाय बाय।